हेलो नमस्कार, मैं स्वाति आपका नीव इंस्टीट्यूट के इस वर्क प्लेस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको अब पता चल गया होगा कि नीव इंस्टीट्यूट ने HP TET की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप अपने TET की प्रेपरेशन एक स्टार्टिंग और एक अच्छे से तरीके से करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारी नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और अपनी क्लासेस बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल कर अपनी क्लास बुक करवानी होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस है वो बहुत कम रखी हुई है, यह अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ है और हम यह चाहते हैं कि हम इस कम रुपीज़ में आपको अच्छे से अच्छी जो है वो HP TET की प्रेपरेशन करवाएं। तो आप हमारे जो वीडियोस हैं, हमारे लेक्चर जो हैं उनको कंटिन्यू देखिए, हमें रिस्पॉन्स कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू करिए। तो लीजिए हम आज अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का अगला लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसके अंदर आने वाली रिएक्शंस, एनोडाइजिंग क्या है, कोरोजन क्या है, एलॉयस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में बताऊंगी। रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल की वो हमें बताती है कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी जो है वो लेस रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस कर देती है अपने सॉल्ट से, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगी मेटल्स के बारे में, तो वो ट्रिक है, आप ध्यान से लिख सकते हैं इसको और सुन सकते हैं। प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज एंड जेब्रास इन टू लवली हॉट कंट्रीज, साइंड जर्नल पेंगुइन। ये लिख लीजिए, इस ट्रिक के थ्रू मैं आपको डिफरेंट मेटल्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमारा सबसे पहले जो हमारा लेटर है प्लीज वो शुरू हो रहा है लेटर पी से, बनता है पोटाशियम। अब यहाँ पे जो लिखेंगे आप लिखेंगे सिंबल ऑफ पोटाशियम, दैट इज के। प्लीज पी लेटर से शुरू होता है, पी से बनता है पोटाशियम और आप लिखेंगे पोटाशियम का सिंबल वो है के। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इसमें वो है सेंट, इसका पहला लेटर है एस, एस से बनता है आपका सोडियम और आपको पता है कि सोडियम का सिंबल क्या है, आप सभी जानते हैं सोडियम का सिंबल है ये Na, सोडियम। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड वो सी लेटर से शुरू होता है, तो यहाँ पे ये बहुत आसान है, Ca ये बताता है कैल्शियम। तो नेक्स्ट जो मेटल है हमारी वो है कैल्शियम। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मंकी, मंकी शुरू हो रहा है लेटर M से, तो M से जो हमारी मेटल बनती है वो बनती है मैग्नीशियम और उसका सिंबल है Mg। नेक्स्ट जो हमारा है लेटर वो है यहाँ पे A, A से हमारी जो मेटल बनती है वो है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है यहाँ पे वो है Z और Z से जो हमारी मेटल है वो है जिंक और उसका सिंबल है Zn। आगे जो हमारा लेटर है वो है I और I से आपको पता है आयरन बोलते हैं हम और आयरन का सिंबल आप सभी जानते हैं, दैट इज Fe फॉर आयरन। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है L, नेक्स्ट हमारा लेटर है L और L रिप्रेजेंट करता है लेड जिसका सिंबल है Pb। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है H, H इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन यू ऑल नो दैट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है लेटर है वो है C और C से बनता है आपका कॉपर और कॉपर के लिए आपका सिंबल है Cu। नेक्स्ट है हमारा S, S से हम बोलते हैं सिल्वर और सिल्वर का जो सिंबल है दैट इज
यू कैन टेल मी द सिंबल ऑफ सिल्वर इज ए जी। आपको सब सिंबल आने चाहिए अगर आपने केमिस्ट्री की क्लासेस लगानी है और केमिस्ट्री का टैग देना है। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है जी। जी से बनता है गोल्ड और गोल्ड का सिंबल दैट इज ए यू। एंड नेक्स्ट है हमारा पी। पी से बनता है हमारा मेटल प्लेटिनम दैट इज पी टी। तो इस ट्रिक के द्वारा आप जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी एक्टिविटी सीरीज के बारे में जान पाएंगे कि हमारी कौन सी मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन सी कम रिएक्टिव हैं और कौन सी लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो प्लीज़ सेंड कैट्स मंकीज एंड जेब्रास इनटू लवली हॉट कंट्रीज साइन जर्नल पेंगविन। इसके द्वारा इसको याद करके आप इस तरह सिंबल लिख सकते हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेटल्स हैं, इम्पॉर्टेंट का मीन्स जो ज़्यादा यूज होती हैं हमारी रिएक्शंस में, वो सारी की सारी इंक्लूड की हुई हैं ताकि इनसे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से करें। अब ये जो हमारी सीरीज चलती है ऊपर से नीचे, ये किस तरह चलती है? ये चलती है इस तरह। जो ऊपर हमारी जो मेटल्स होंगी वो वाली होंगी मोस्ट रिएक्टिव। ये जो ऊपर है हमारी मेटल्स ये होंगी मोस्ट रिएक्टिव, कि सबसे पहले जो हमारी मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। जैसे पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम से, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्युमिनियम से। बीच में जो हमारी मेटल्स होंगी वो होंगी मॉडरेट। क्या होंगी? मॉडरेट, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होंगी, कम रिएक्टिव भी नहीं होंगी, बीच में होंगी, मॉडरेट रिएक्टिव होंगी, जो बहुत कम एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएंगी। और ये जो हाइड्रोजन है नॉन मेटल, इसके नीचे जो हमारी जो मेटल्स होंगी वो जो है वो सबसे कम जो है वो रिएक्टिव होंगी। तो ये होंगी हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पे मैंने वो मेटल्स इंक्लूड की हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं वो इसमें इंक्लूड की हुई हैं। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं आपको करवा रही हूँ इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ है सबसे पहले तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको समझने में इस सीरीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ है। जैसे जो इसमें देखेंगे आप जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, Zn प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन दी है Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आप देखेंगे यहाँ पे जिंक मेटल है और कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है इसके सॉल्ट से और खुद जो है इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको यहाँ से हटा रहा है और खुद इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये आपको कैसे पता चला? ये पता चला आपको इस सीरीज से। आप देखेंगे कि जो जिंक है वो यहाँ ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। इसका मतलब ये है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम टाइप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहीं अच्छे से समझ लीजिए इसको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जब एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्ट से, तो हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो कौन मेटल करती है? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी दूसरी मेटल से। तो इस सीरीज से हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे को जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, तो जो मेटल हमारी ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं नीचे वाली मेटल से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे आपका लेड प्लस
CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये बनाता है हमारे पास लेड क्लोराइड एंड कॉपर, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Pb कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो Pb इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, तो Pb जो हमारा लेड है वो भी सॉल्ट को डिस्प्लेस करता है, इसके साथ रिएक्शन बना लेता है और कॉपर को हटा देता है। एक तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन है, तो आप नाम देंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है रिएक्टिविटी सीरीज से, वो है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन जो है फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब है कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। यह क्वेश्चन भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप पे यहाँ पे लिखे हैं दो पॉइंट्स और रिएक्शंस लिखे हैं, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन हो सकती हैं। ये Ag सिल्वर प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बना रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस Mg, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है, यस और नो। अब आप देखेंगे, आप सोचिए, खुद से सोचिए, Ag कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ नीचे, और मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर। तो सिल्वर और मैग्नीशियम में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये सीरीज में ऊपर है, और सिल्वर कम रिएक्टिव है क्योंकि ये सीरीज में नीचे है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन जो सिल्वर है हमारा वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है और मैग्नीशियम जो है वो ऊपर है, तो सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये नहीं हो पाएगी रिएक्शन। आपको पेपर में 4 क्वेश्चंस होंगे और बताया हो, पूछा होगा कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, विच रिएक्शन इज फिजिबल, तो वो आंसर आप रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही निकाल पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करके खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और एल्युमिनियम रिप्लेस करवा रहा है, तो क्या यह रिएक्शन फिजिबल है। अगेन वी चेक द रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए सोडियम कहाँ है, यहाँ है, हेयर इज सोडियम। एल्युमिनियम कहाँ है, एल्युमिनियम इज हेयर। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो सोडियम जो है वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, तो ये रिएक्शन हो सकती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो अच्छे से समझ आ गई है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब आप अच्छे से कर पाएंगे। आगे हमारी एक टर्म आती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज एनोडाइजिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सारी मेटल्स हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, आप सोचिए। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, आई थिंक आप सभी सही सोच रहे हैं, वो बनाती हैं मेटल ऑक्साइड। तो एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाते हैं। किसके ऑक्साइड बनाते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड लेयर बनाते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, और वो उनको क्रोजन से बचाता है। तो इस बार टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फॉर एनोडाइजिंग विच मेटल इज यूज्ड, तो फॉर एनोडाइजिंग वी यूज द एल्युमिनियम मेटल। यू कैन नोट इट डाउन कि फॉर एनोडाइजिंग वी यूज द एल्युमिनियम मेटल। इसमें हम जो एल्युमिनियम मेटल है उसकी ऑक्साइड लेयर बनवाते हैं, उसकी पेंटिंग करवाते हैं एल्युमिनियम के ऊपर, और वो खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोजन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोरोजन आपको पता है क्या होता है, आपके घर में
लोहे के, तांबे के, सिल्वर के बहुत सारे पॉट्स होंगे, बर्तन होंगे या सामान होंगे। आपने लोहा देखा है, आयरन जिसको हम बोलते हैं, आयरन जब आपने बाहर रखा होता है धूप में, बारिश में, तो वो ब्राउन सा हो जाता है, रेडिश ब्राउन सा, और आपको उसको टच करते हैं हाथ में तो ऐसे भुरभुरा सा उससे एक पदार्थ निकलता है, उसको हम बोलते हैं रस्ट, उसको हम बोलते हैं रस्ट, तो दैट इज करोजन। आपने सिल्वर जो है आपका, चांदी, चांदी के गहने देखे होंगे या उसके सामान देखे होंगे, आप देखेंगे कि जब हम उसको नया नया लेते हैं तो उसमें शाइन होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जाता है उसकी शाइन खत्म होती जाती है और वो ब्लैक पड़ता जाता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, कॉपर के, तो वो क्या होते हैं, पहले तो उनका अच्छा सा कलर होता है ब्राउनिश सा, लेकिन बाद में उन पे ग्रीन सी परत जम जाती है, तो दैट ग्रीन परत क्या होती है, करोजन। ये तो था करोजन। अब हम इसको केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ेंगे कि करोजन क्या है। जब आयरन आर्टिकल को आप एक्सपोज्ड करते हैं एयर में, तो उनके ऊपर एक परत सी, एक लेयर सी जम जाती है, उसको हम बोलते हैं करोजन। तो अब हम देखते हैं कि करोजन किस तरह होता है। तो जब सिल्वर आर्टिकल को आप एक्सपोज्ड करते हैं एयर में, तो वो क्या हो जाते हैं, मैंने आपको बताया क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं सिल्वर आर्टिकल जब हम उनको एक्सपोज्ड करते हैं एयर में, तो दैट इज अ करोजन। और वो किस तरह से होता है, जब सिल्वर आपको पता है एयर में एक्सपोज्ड होगी, तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो जो हमारा सिल्वर है वो एयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स हैं उनका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उनका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे द कलर ऑफ सिल्वर आर्टिकल इज ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारे कॉपर आर्टिकल्स, वो ग्रीन हो जाते हैं जब हम इनको मॉइस्ट एयर में रखते हैं, तो वो रिएक्शन किस तरह से होती है, जो आपका कॉपर है जब वो मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब है नमी वाली एयर, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो जब आपका कॉपर इस मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, तो हम उसको करोजन बोलते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है कॉपर का, दैट इज ड्यू टू दिस कॉपर कार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर ऑफ कॉपर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप आयरन को मॉइस्ट एयर में रखते हैं, तो वो क्या बनाता है, तो वो एक रस्टी सी फ्लेम बनाता है, एक रेडिश ब्राउन सा स्मोकी फ्लेम वाला जो है वो एक पदार्थ बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। अब रस्ट क्या है, इसको केमिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब आयरन जो है वो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, आपको पता है मॉइस्ट एयर वो एयर जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और मॉइस्चर के रूप में वाटर भी होगा, तो वो बनाएगा आपका आयरन ऑक्साइड विद वाटर, तो दैट इज रस्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, आयरन ऑक्साइड विद वाटर। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो मैं आपको बता दूं, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट इज आयरन ऑक्साइड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। देखिए यहाँ हमने यहाँ पे 2 लिखा, कई सोचते हैं ये फाइनल फॉर्मूला है, 2 हमने तब लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी थी, यहाँ पे 4 भी हो सकता है शुरू में,
सिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका रस्ट है वो है आयरन ऑक्साइड विद हाइड्रेटेड वाटर। और यहाँ पे मैंने एक्स क्यों लिखा है वाटर को, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो होंगे हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, और आयरन ऑक्साइड जो है वो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, चार भी, छः भी, क्योंकि वो आएंगे केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब इसके आगे करेंगे हम एलॉयज। हमने पढ़ा क्रोजन के बारे में कि क्रोजन कैसे होता है, अब हमने वो तो देख लिया कि वो कैसे होता है, अब हम देखेंगे कि हम प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन कैसे कर सकते हैं, कि क्रोजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जनरल मेथड्स जो हैं क्रोजन से बचने के लिए वो है पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग। आप जो आर्टिकल्स हैं उन पे आप पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं। पेंट से ये होगा कि पहले जो पेंट है वो ख़राब होगा, अंदर जो आपके आर्टिकल्स हैं वो बच जाएंगे। आप उन पर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो ये सारे टेम्परेरी तरीके हैं हमें करोजन से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेन है क्रोजन से बचने के लिए केमिकली हम क्या करते हैं, वो दो टर्म्स हैं हमारे पास हमारी बुक में, गल्वेनाइजेशन एंड मेकिंग एलॉयज, गल्वेनाइजेशन एंड मेकिंग एलॉयज, ठीक है। तो व्हाट इज गल्वेनाइजेशन एंड व्हाट इज एलॉयज। गल्वेनाइजेशन क्या है, जो आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन आर्टिकल्स हैं उन पर हम जिंक की एक परत बनाते हैं। आयरन जो आर्टिकल्स है उनके ऊपर हम जिंक की एक परत बना देते हैं, ठीक है। आपको पता है जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। तो जो गल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक जिंक की परत बना देते हैं, ठीक है। तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है ऑक्साइड बनाता है और धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। लेकिन जो अंदर हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी समय तक इस तरीके से सेफ रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है इन गल्वेनाइजेशन विच मेटल वी यूज़। ये बहुत बार टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि क्रोजन से बचने के लिए जो गल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम कौन सी मेटल यूज़ करते हैं। तो वो मेटल हम यूज़ करते हैं जिंक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्रोजन से बचने के लिए एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, देखिए, जब हम दो मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़ बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलॉयज। एलॉयिंग क्या है, एलॉयज क्या है, तो मैं आपको केमिकली टर्म में बताऊं तो एन एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल एंड मेटल और नॉन मेटल। जो एलॉय है हमारे वो होमोजेनियस मिक्सचर हैं। अब आप सोचते होंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमो मीन्स सेम, ऐसे मिक्सचर जिनकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मान लो आप कोई एलॉय बना रहे हैं, जैसे ब्रास आपने बनाया तो आपने उसमें कॉपर और जिंक ऐड किया, तो ऐसा नहीं है कि कॉपर अपनी मर्जी से डाल दिया, जिंक अपनी मर्जी से डाल दिया, इसकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगी कि ब्रास बनाने के लिए हमें कितना परसेंट कॉपर चाहिए और कितने परसेंट जो है वो जिंक चाहिए। तो इस टाइप के मिक्सचर जो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनते हैं, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उनकी दो चीज़ों की एक प्रॉपर परसेंटेज होती है कि इतने परसेंट हम ये बनाएंगे, इतने परसेंट हम ये डालेंगे, तो वो मिक्सचर बनते हैं एलॉयज। तो व्हाट इज़ एन एलॉय, तो आपको पता होना चाहिए कि एन एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और वो किसके बीच में है, वो मेटल और एक और मेटल के बीच में हो सकता है, एक मेटल और दूसरी उसमें नॉन मेटल हो सकती है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉयज। और एक चीज़ और है एलॉयज में कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं जब एलॉय बनता है। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बनाती हूँ। जैसे मान लो हमने ब्रास बनाया, एक एलॉय है, वो एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, तो कॉपर की अलग प्रॉपर्टी है, जिंक की अलग प्रॉपर्टी है। जब ये दोनों मिलकर ब्रास बनाते हैं
तो ब्रास की प्रॉपर्टी ना कॉपर की तरह होगी ना जिंक की तरह, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन दोनों से डिफरेंट होगी, इन दोनों से डिफरेंट होगी। तो जब हम एलॉय बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी कंसर्न्ड मेटल या नॉन मेटल है उससे क्या होती है, डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो एलॉयज़ होते हैं वो किस टाइप के मिक्सचर होते हैं, दैट आर होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या जो एलॉयज बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उन मेटल की तरह होती है जिनसे वो बनते हैं और डिफरेंट होती है। तो आपकी ऑप्शन है कि एलॉयज की प्रॉपर्टी जो उनकी कंसर्न्ड मेटल हैं जिनसे वो बनते हैं उनसे डिफरेंट होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एलॉयज। सबसे पहला एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। इन सबको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, तो स्टेनलेस स्टील एलॉय है आयरन का निकल और क्रोमियम के साथ। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। जब हम आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है स्टेनलेस स्टील। ये आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रास। ब्रास तो ब्रास क्या है, ब्रास हमारा एलॉय है कॉपर और जिंक। जब हम कॉपर और जिंक को जोड़ते हैं आपस में एक होमोजेनियस मिक्सचर उसका बनाते हैं तो हमारे पास ब्रास जो है वो एक अलॉय बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है कॉपर एंड जिंक से। नेक्स्ट हमारा जो अलॉय है दैट इज ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट जो हमारा अलॉय है वो है सोल्डर। क्या है, सोल्डर। ये हमारा अलॉय है लेड और टिन। ये आप नोट कीजिए और इन चीज़ों को याद रखिए। सोल्डर हमारा जो एलॉय है वो है लेड और टिन। नेक्स्ट है हमारा अमेलगम। अमेलगम AMALGAM अमेलगम। तो जितने भी मरकरी के एलॉयज होंगे, मरकरी किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ जब कोई एलॉय बनाएगी तो उसको बोलेंगे अमेलगम। तो अमेलगम आपने याद रखना है, दीज आर द एलॉयज ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर गोल्ड। जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का। और जो ऑर्नामेंट्स जो हम गहने या जेवर पहनते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं, वो होते हैं 22 कैरेट के। 22 कैरेट के। उसमें हम गोल्ड के साथ कॉपर या सिल्वर मिक्स करते हैं क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो टूट जाता है आसानी से। तो हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड के साथ कॉपर और सिल्वर जोड़ते हैं तो हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं 22 कैरेट के। थैंक यू।